फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द गौरव मेहरा गैस्ट्रोनॉमी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, सिंपल ट्रेडिशनल डिश फुल ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर न्यूट्रिशन। शेफ, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें उसके लिए चाहिए 2 कप पालक की प्यूरे, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 से 2 चम्मच ग्रीन चिली चॉप, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार। पनीर चाहिए हमें 1 कप डाइसेस में कटा हुआ। हम 2 बड़े चम्मच ऑयल और 1/4 कप बटर ले रहे हैं और क्रीम 1/4 कप। ओह वाओ, सो इट विल बी क्वाइट अ रिच डिश, राइट? अब हम डाल रहे हैं पनीर ये पानी में। ये किसके लिए? नमक पनीर में जाके उसका टेस्ट को और उबारेगा और उसको एक फ्लेवर देता है। तो बाद में हम इसे फिर फ्राई करेंगे? हाँ जी, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, और उसके बाद हम अपनी पालक वाली ग्रेवी में डालेंगे। परफेक्ट। जब तक हमारा पनीर सोख है पानी में, तब तक हम पालक की ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, डाला हमने अभी। उसके बाद हम डाल रहे हैं प्याज। हमने प्याज को प्रॉपर गोल्डन ब्राउन करना है। हम थोड़ा बटर भी डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होने जा रहे हैं। हम डाल रहे थे अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, आधा रेड चिली पाउडर, आधा हम तड़के के लिए बचा के रख रहे हैं। अब हमारे प्याज और सब मसाले भून चुके हैं। अब हम डालने वाले हैं इसमें टमाटर। हमने मीडियम आंच पे 5 से 10 मिनट तक टमाटर को अच्छे से भूनने दिया। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा मसाला पूरी तरह भून चुका है। अब हम डालने जा रहे हैं इसमें पालक की प्यूरी। ये पालक की प्यूरी हमने उबाली भी है। हाँ जी, अब उबलते हुए पानी में पालक को डालना है और उसके बाद 5-10 मिनट के में उसको निकाल के ठंडे पानी में डालना है, प्रॉपर ठंडा कर रहा है, उसके बाद में प्यूरी करनी है। ओके, ये इसका कलर मेंटेन रहता है। हाँ जी। और आप पालक को कभी लोहे के बर्तन में मत बनाइए और ना ही आप उसे ढकिए। उसे चाहिए तो आप स्लो पे छोड़ सकते हैं पकने के लिए, तो इससे इसका कलर भी रिटेन होता है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाती नहीं है। हमने इसको आराम से 15-20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे छोड़ दिया है। ऐसे कहा जाता है कि पालक को आप जितना भुनेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा आता है। हाँ, ये भी सही है। और उसको अच्छा सा जो पालक की डिश होती है उसमें हमेशा फैट, जो बटर या घी, वो डालो तो उसमें और भी उसको अच्छा उसका फ्लेवर चढ़ता है। हमारा पालक बन के तैयार है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप पानी। अब हम पानी डालने के बाद हमने थोड़ा 2-4 मिनट भून लेना है कि वो प्रॉपर मिक्स हो जाए, उसमें मिल जाए पालक के अंदर पानी। अब हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। हमने रेसिपी में बटर भी बहुत डाला है, पर नमक थोड़ा ध्यान से, बिकॉज पालक में नमक। ये हमारे पनीर फ्राई होके तैयार है। अभी बस हमने ये पनीर को पालक में ऐड करना है। आप देख सकते हैं पालक ने अपना तेल ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब पालक पूरी तरह से तैयार है। बस अब हम इसमें पनीर ऐड कर रहे हैं। पनीर डालने के बाद आपने इसे 2 मिनट और पकाना है। बस इसके बाद हम अब ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम जो हमने फेटी हुई है, टू ब्रिंग दैट एक्स्ट्रा रिचनेस। एक एक्स्ट्रा टेस्ट लाने के लिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी पाउडर है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कस्तूरी है, इसके लिए हम इसको थोड़ा रोस्ट करके और हाथ से हम उसका पाउडर बना के डालेंगे उसमें पालक। जो कसूरी मेथी हमने भुनी है, बस इसको हाथ से मसल कर आप इसका पाउडर बना सकते हैं और इसे हमें ऐड कर देना है पालक में। जो हमारा बचा हुआ ऑयल है और बटर, उससे हम अभी एक तड़का तैयार करेंगे। ये हम ऊपर से तड़का डालेंगे, बची हुई लाल मिर्ची ऐड कर रहे हैं। आपने ध्यान देना है कि ये लाल मिर्ची जले नहीं।
बस अभी हमें ये ऊपर से पालक पनीर में डाल देना है। बस ऐसे आपने उसको मिक्स कर लेना है। ये तैयार है आपका पालक पनीर। सिंपल, इजी एंड वेरी वेरी टेस्टी। ये पूरी तरह से न्यूट्रिशन से भरपूर है, बिकॉज इसमें पालक जो आयरन का मेन सोर्स है वो तो है ही, साथ में अदरक है, यू गॉट बटर ऑल्सो, थोड़े जिंजर भी है। आप इसे फाइनली गार्निश कर सकते हैं ग्रेटेड पनीर से, इफ यू वॉन्टेड मोर रिच ग्रेटेड चीज। इसे जरूर इंजॉय कीजिएगा पराठों के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, द गौरव मेहरा गैस्ट्रोनॉमी। प्लीज़ इसे ट्राई करके कमेंट्स में आपके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।